और मेरे सुरवीरों कैसे हो। आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड के इंग्लिश प्रोज का जो पहला चैप्टर है अ गर्ल विद बास्केट उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में मैं बताऊंगा। और क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने लेसन पढ़ लिया है, पहला पार्ट पढ़ लिया है, तो मैंने सोचा कि ना पहले एक्सप्लेनेशन कर लिया जाए, उसके बाद उसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहला जो दिया गया है और ये जो आते हैं ये दो पैसेज दिए जाएंगे, इंग्लिश प्रोज के पाठों में से दो पैसेज दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक का रेफरेंस व कॉन्टेक्स्ट सहित एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। और इस प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं क्या दिया गया है। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स एंड हॉकर्स। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फूट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। तो इसका हम लोगों ने हिंदी में अनुवाद पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें लेखक कहना क्या चाहता है। तो लेखक ये कहता है कि जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म, स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल खचा खच भरा हुआ है और वहां पर कई धर्म और जाति के लोग हैं जिनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पादरी और कुली, भिखारी और जितने फेरी वाले, ये सारे लोग वहां पर उपस्थित हैं और सभी से भरा हुआ है। सभी के लोग बेयर फूट यानी नंगे पैर हैं, सभी ने सफेद ढीले ढाले वस्त्र पहन लिए हैं। और लेखक ये कहता है कि जब मैं वहां पर 2-3 लोगों से मिला तो उनमें मुश्किल से जाकर एक आदमी मिला जो कि अंग्रेजी में बात कर सकता था। फिर उसके साथ मैंने करंट वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बातचीत की और जो दिन भर की जो भी घटनाएं थी, समाचार, उनके बारे में बात किया। तो यहां पर हम रेफरेंस इसका क्या लिखेंगे, रेफरेंस बहुत ही आसान शब्दों में लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब भी लेसन का नाम लिखिएगा तो उसे सिंगल कॉमा के अंदर जरूर लिखिएगा, उसके बाद रिटन बाय और रिटन बाय के बाद उस लेसन के लेखक का नाम, विलियम सी डगलस, रिटन बाय विलियम सी डगलस, ये लिखना है। क्या है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, ना तो राइटर की स्पेलिंग गलत होनी, नेम की स्पेलिंग गलत होनी चाहिए और ना ही किसी भी लेसन के नाम की स्पेलिंग। और एक चीज और भी, जैसे लेसन का नाम लिख रहे हैं तो लेसन के नाम का देखो सबका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, आ गर्ल का जी, विद का डब्ल्यू, बास्केट का बी, तो सबका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में हमें ये लिखना है, ये पढ़ने के बाद ये पता लग गया कि इस गद्यांश में जो लेखक है वो जो लेखक जो है इस गद्यांश में ये बताते हैं कि प्लेटफॉर्म पे जिन लोगों से मिले उनकी शारीरिक बनावट कैसी थी, यानी उन लोगों ने कैसे वेशभूषा पहन रखे थे और उन्होंने इसमें क्या बात जानने का प्रयास किया, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे कॉन्टेक्स्ट में कि इन दिस पैसेज द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पीपल फाउंड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड हिज एफर्ट टू नो द फीलिंग्स ऑफ इंडियन पीपल टुवर्ड्स दियर कंट्री। समझ में आ गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि इस गद्यांश में लेखक जो है वो प्लेटफॉर्म पर मिले लोगों की शारीरिक बनावट तथा भारतीय लोगों को उनके देश के प्रति भावनाओं को जानने के जो प्रयास करते हैं उसका वर्णन किया है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में हम लिख देते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में द ऑथर सेज, लेखक कहता है दैट कि द प्लेटफॉर्म्स ऑफ ईच स्टेशन, सभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म वर फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरे हुए थे, ऑफ डिफरेंट कास्ट
अलग अलग जाति के लोगों से एंड रिलीजियंस और अलग अलग धर्मों के लोगों से। सम ऑफ देम वर सिख, उनमें से कुछ सिख थे। सम ऑफ देम वर मुस्लिम, उनमें से कुछ मुस्लिम थे। एंड हिंदू, और उनमें से कुछ हिंदू थे। मैनी ऑफ देम वर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस लाइक सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पॉर्टर्स, बेगर्स एंड हॉकर्स। क्या था, उनमें से कई अलग अलग व्यवसाय के थे, जैसे कि सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे और पॉटर थे, कुम्हार, बेगर भिखारी थे एंड हॉकर्स और फेरी वाले थे। दे वर बेयर फूटेड, बेयर फूटेड का मतलब नंगे पांव। दे वर बेयर फूटेड, वे नंगे पांव वाले थे। एंड इन लूज व्हाइट क्लोथ, और उन्होंने ढीले ढाले सफेद सफेद कपड़ों में थे। आफ्टर टॉकिंग टू एटलीस्ट थ्री पीपल, कम से कम तीन लोगों से बात करने के बाद, लेखक कहता कम से कम तीन लोगों से बात करने के बाद, ही वॉज एबल टू फाइंड वन पर्सन टू होम ही कुड टॉक इन इंग्लिश। वो एक ऐसे आदमी से मिला जो कि अंग्रेजी में बात कर सकता था। ही टॉक्ड अबाउट इंसिडेंट्स ऑफ होल वर्ल्ड, उसने संसार की सभी घटनाओं के बारे में बात किया। एंड एवरी इम्पोर्टेंट न्यूज ऑफ दैट डे, और उस दिन की सभी महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा की। ही वॉन्टेड टू हैव कन्वर्सेशन विद पीपल टू नो दियर ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। एंड इन दिस वे ही ट्राइड टू गेट फीलिंग्स ऑफ द पीपल टूवर्ड्स दियर नेशन। वे लोगों से बातचीत करते थे जिससे वह अधिकारी के नजरियों तथा रिपोर्टों के विरुद्ध उनकी राय जान सकें, एवं इस प्रकार वह लोगों को उनके राष्ट्र के प्रति भावनाओं को जानने का प्रयत्न करते थे। यानी लोगों से बात करके लेखक लोगों के राष्ट्र के प्रति भावनाओं को जानने का प्रयास करता था। क्लियर है, चलो अगला देख लेते हैं, दूसरा इसी समय। दूसरे में क्या क्या है, मंकीज, बंदर। सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। द विलेजेस वी पास्ट हैड वॉल मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग। दियर पीग्ड रूप्स वर थैश्ड। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैप्टर्स। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल। रेफरेंस सेम लिखना है आपको, रेफरेंस क्या लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। उसके बाद इसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में इसमें देखें जैसे लेखक क्या क्या बात करता है, बंदरों की बात करता है। बंदर जो भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इधर उधर उछल कूद करते हैं। गांव में आते जाते समय दीवार की बनावट कैसी थी, इन सब चीज यात्राओं के दौरान जो जो चीजें देखी हैं उसका वर्णन किया है। तो हम कॉन्टेक्स्ट में क्या लिख देंगे कि इन दिस पैसेज द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द थिंग्स दैट ही सॉ ड्यूरिंग हिज जर्नी टू रानीखेत। क्या किया कि इस गद्यांश में लेखक रानीखेत की अपनी यात्रा के दौरान देखी गई चीजों का वर्णन करते हैं। ओके, अब देखो एक्सप्लेनेशन। भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि लाइक करने से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। और भी आपको किस चीज में प्रॉब्लम है ये जरूर बताइए। मैंने ग्रामर के भी कुछ पोर्शन पढ़ा दिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ग्रामर भी जाकर पढ़ के देख लीजिए और देखिए कि आपको प्रॉब्लम किस चीज में। सिंटेक्स पढ़ा दिया, सिंथेसिस पढ़ा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। चलिए फिर देखते हैं, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है कि लेखक ने तो सबसे पहले बंदरों को देखा। क्या लिखा है, मंकीज, उन्होंने बंदरों को देखा और बंदरों उनमें से कुछ मादाएं थी जो अपने बच्चों को चिपकाए हुई थी। तो हम लिख देंगे द ऑथर सॉ सो मैनी मंकीज,
लेखक ने अनेक बंदरों को देखा। सम ऑफ देम वर मदर्स हु हैड देयर बेबीज क्लिंग टू देम। उनमें से कुछ मादाएं थी, यानी कुछ माँ बंदर थे जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी द बेबीज वर राइडिंग अंडर नीथ दियर मदर्स। अब बच्चे अपनी माओ के नीचे, अंडर नीथ का मतलब नीचे, दियर मदर अपनी माँ के नीचे चिपके हुए थे। द मंकीज केम डाउन फ्रॉम द ट्रीज टू द प्लेटफॉर्म इन सर्च ऑफ दियर फूड। क्या करते थे कि जो बंदर थे भोजन की तलाश में पेड़ों से उछलकर प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे। द ट्रेन पास्ड थ्रू द विलेजेस ऑन द वे। रास्ते में गांव से जो रेलगाड़ी थी वो रास्तों में गांव से होकर गुजरी। द वॉल्स ऑफ द हाउस इन द विलेज वर मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद काउ डंग एंड वाटर। गांव में जो घरों की दीवारें थी वो मिट्टी, गाय के गोबर एवं पानी के मिश्रण से बनी हुई थी। द रूफ्स ऑफ द हाउसेस हैड थैश्ड मेड ऑफ ग्रास एंड बम्बू पोल। इन घरों की छतें घास एवं बांस की बल्ली से बने हुए रूफ्स ऑफ द हाउस हैड थैश्ड मेड ग्रास एंड बम्बू पोल्स। किसकी? बांस की बल्ली से बने छप्पर की बनी हुई थी। उसके बाद ही ऑल्सो सा क्रीपर्स ऑफ पम्पकिंस ऑन द थैचेस। लेखक ने कद्दू की बेलों को इन दीवारों पर लटके हुए देखा। दे हैड राई पम्पिंग हैंगिंग ऑन द वॉल एंड दे लुक्ड लाइक येलो स्ट्रीक्स ऑन द वॉल। क्या था? और वे उन दीवारों पर पीली रेखाओं जैसी प्रतीत हो रही थी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? द ऑथर सा सो मैनी मंकीज, सम ऑफ देम वर मदर हु हैड दियर बेबीज क्लिंग टू देम। द बेबीज वर राइडिंग अंडर नीथ दियर मदर्स। द मंकीज केम डाउन फ्रॉम द ट्रीज टू द प्लेटफॉर्म इन सर्च ऑफ दियर फूड। द ट्रेन पास्ड थ्रू द विलेजेस ऑन द वे। द वॉल्स ऑफ द हाउस इन द विलेजेस वर मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद काउ डंग एंड वाटर। द रूफ्स ऑफ द हाउसेज हैड थैच्ड मेड ऑफ ग्रास एंड बम्बू पोल्स। ही ऑल्सो सा क्रीपर्स, क्रीपर्स का मतलब रेंगने वाले पौधे जो कि दीवारों पर या खंभों पर चढ़ने लगते हैं। मेड ऑफ ग्रास एंड बम्बू पोल्स। ही ऑल्सो सा क्रीपर्स ऑफ पम्पकिंस ऑन द थैच्ड। दे हैड राइप पम्पकिंस हैंगिंग ऑन द वॉल्स एंड दे लुक्ड लाइक येलो स्ट्रीक्स ऑन द वॉल। तो ये रहे दो पैसेज के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसके आगे के जो पैसेज हैं उसका एक्सप्लेनेशन हम अगली वीडियो में करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।